संजौली में मस्जिद पर घमासान, आज हिंदू संगठनों का शक्ति प्रदर्शन, लाठी चार्ज के विरोध में हिमाचल बंद, शिमला के संजौली में मस्जिद विवाद को लेकर तनाव बरकरार है। संजौली में प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज के विरोध में हिमाचल बंद रहेगा। वीएचपी ने बंद का आह्वान किया है। वीएचपी के इस बंद में हिमाचल प्रदेश के तमाम हिंदू संगठन शामिल हो रहे हैं। देश के संजौली में नहीं, लेकिन हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक संस्थान में, प्रत्येक जिला के अंदर जहां भी उन्होंने अवैध तरीके से निर्माण किया है, उसे तोड़ने की आवश्यकता है। हमने एक निवेदन हिमाचल प्रदेश के सभी व्यापार मंडलों से किया है, उनसे करबद्ध अपील की है कि शनिवार को 14 तारीख को आप 10 से 12 बजे तक अपने व्यापारिक प्रतिष्ठानों को बंद करें, और हिंदू समाज के ऊपर जिस प्रकार से आक्रमण विधर्मियों के द्वारा किया गया है, उसका पुरजोर विरोध करें और हिंदू समाज के पक्ष में समर्थन करें, ऐसा हमारा उन सभी से निवेदन है। हिंदू संगठनों ने पूरे हिमाचल में बंद रखने का आह्वान किया है। हिंदू जागरण मंच भी हिमाचल बंद का समर्थन कर रहा है और कारोबारियों से समर्थन की अपील की है। इस बंद को अपना समर्थन दें और प्रातः से लेकर के दोपहर 1:30 बजे तक अपने सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान और दुकानें बंद रखें और सरकार को एक स्पष्ट संदेश दें कि यदि हमारे हिंदू समाज के साथ किसी भी प्रकार का विद्वेषपूर्ण व्यवहार होगा तो पूरा हिमाचल प्रदेश एकजुट होकर के इसके विरोध में खड़ा होगा। एक तरफ जहां वीएचपी और हिंदू संगठनों ने हिमाचल में बंद का आह्वान किया है, तो वहीं शिमला व्यापार मंडल का कहना है कि वो बंद में शामिल नहीं होंगे और शिमला में सभी दुकान खुले रहेंगे। 11 सितंबर को संजौली में लाठी चार्ज के विरोध में हिंदू संगठनों में आक्रोश है। इसी के मद्देनजर हिंदू संगठनों ने आज हिमाचल बंद का ऐलान किया है। तस्वीरें कुल्लू की हैं। यहां माइक के जरिए कुल्लू बंद रखने का अनाउंसमेंट किया जा रहा है। अनुरोध है कि कल 14 तारीख शनिवार को दोपहर तक अपने व्यापारिक संस्थान बंद रखें और समाज के सभी वरिष्ठ जन, माताएं बहनें एवं युवाओं से ये आग्रह है कि इस विषय पर रोष प्रकट करने हेतु 11 बजे हनुमान मंदिर रामशिला में एकत्रित हो। एक तरफ जहां संजौली में अवैध मस्जिद निर्माण को लेकर बवाल मचा हुआ है, तो वहीं हिमाचल प्रदेश में धार्मिक सौहार्द बनाए रखने के लिए सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया गया। इसके जरिए विधानसभा अध्यक्ष से एक संयुक्त समिति गठित करने का अनुरोध किया गया, जो पूरे प्रदेश में स्ट्रीट वेंडर्स के लिए नीति बनाने का काम करेगी। बैठक के बाद सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने टाइम्स नाउ नव भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, तो आइए जानते हैं क्या कहेंगे। ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई थी, तो क्या कहेंगे सर, क्या कहेंगे आज? देखिए, सर्वदलीय बैठक हुई। उस सर्वदलीय बैठक में सबने कहा कि हिमाचल एक शांति प्रिय प्रदेश है, हिमाचल के सौहार्द को बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। और सभी राजनीतिक दल ने उसमें भाग लिया। बीजेपी ने भाग लिया, कम्युनिस्ट पार्टी ने भाग लिया, आम आदमी पार्टी ने भाग लिया। हिमाचल की संस्कृति सौहार्द की संस्कृति है, हिमाचल की संस्कृति प्यार की संस्कृति है। इसको किसी भी प्रकार से बनाए रखना ही हिमाचल की संस्कृति का मुख्य अंग है। तो इस दृष्टि से सबने प्रस्ताव पारित किया। और निश्चित तौर पर जिस तरह मीडिया चैनलों में दिखाया जाता है, वैसा होता नहीं है। और पर हमें आगे से ये ध्यान रखना है कि किस क्षेत्र में प्रदर्शन हो रहा है और किस प्रकार का प्रदर्शन हो रहा है।